Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. कैसे आप लोग? कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं. तो खुल के हंसो नहीं तो हमको तकलीफ हो जाएगी. मेरा नहीं तो कम से कम मेरे मेकअप मैन का सोचो. पता क्या चैनल वाले मेरे पे गुस्सा निकालेंगे और मैं जाके मेकअप मैन पे. खैर आप लोग को देखकर ना सच में दिल से बहुत सुशी हुई मेरे को. सुशी नहीं खुशी. नहीं जापान से है ना उधर तो सुशी होती है. आइए आइए बैठिए. वेरी नाइस. हाय मैं सच्ची बोल रही कप्पू. आज मेरी नानी होती ना इधर बहुत खुश होती वो. अच्छा? नानी हॉकी को बड़ा पसंद करती थी. नहीं उनको बिरयानी बहुत पसंद है. आज सेट पे बिरयानी बनी है ना इसलिए बोली. लेकिन मेरे नाना जी रहते ना नाना जी वो तो बहुत ही खुश होते. उनको भी बिरयानी पसंद है? नहीं उनको हॉकी पसंद है. वो नाना नानी के बीच में ना बिरयानी को लेकर बहुत लफड़ा होता है. अच्छा? हाँ पूरी कमेंट्री चलती है. हाँ. ये नानी ने बिरयानी उठाई इधर से, ये लेग पीस उठाया, नाना ने छीना लेग पीस और फॉरवर्ड करके सीधा नानी के मुंह में आ गया, हुआ गोल. बहुत लफड़े रहते हैं. तेरे को मालूम है कप्पू मेरी जो नानी है ना उनके तो दांत भी नहीं है. अच्छा? लेकिन फिर भी बिरयानी बहुत मजे से खाती है. कैसे? वो नाना चबा चबा के उनके मुंह में डालते हैं. क्या तू आते नानी की फालतू बातें करने लगी? इतने सारे लोग बुलाएगा तो नानी याद आएगी ना बाबा. इतनी टेंशन नहीं सब पे. तो हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स आए उनसे बात बात करोगे? हाँ सच में सबसे बात करेगी मैं. बहुत खुशी हुई. मेरे को बहुत खुशी हुई. अच्छा लेडीज फर्स्ट रहते है ना तो मैं पहले लेडीज से बात करेगी. हाँ मम्मा. नहीं माँ मेरी लेडीज है. हाँ मम्मा. हाँ मैं इधर शूटिंग पे आई लोग सब आए ले इधर. हाँ मेरे लिए साबूदाना का पिज्जा रेडी रखना. हाँ ठीक है ओके मम्मा बाय. लेडीज से बात हो गई. चलो मेरा तो खाने का हो गया. इन लोग से तो पूछ लूँ मैं क्या खाएंगे पियेंगे. क्या लेंगे आप? चाय पानी? चाय पानी? चाय चाय ओके पानी फॉर यू. चाय पानी? चाय पानी. मैं सबसे पूछेगी मनप्रीत जी से नहीं पूछेगी बाबा. क्यों? क्योंकि डीएसपी है ना पुलिस वाले से चाय पानी पूछेंगे तो लफड़ा हो जाएगा. हाय हाउ आर यू? गुड मैम. कैसे? बढ़िया. अच्छा कैसे आप? मैं ठीक हूँ आप बताइए. नाइस ये हैंडसम मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. आप मीठापुर से है ना? हाँ जी. मेरे मामा का लड़का खट्टापुर से. कहाँ? हाँ तो मामा का लड़का कहाँ है? मैं भी मजाक कर रही हूँ. एक बार जोरदार ताली हो जाए टीम के लिए यार. सच्ची में एक चीज कहना चाहती है. उधर टीवी पे जितनी औरत लोग घर पे बैठे हैं ना आप अपने बहू बेटियों को डांटते जोर से बोलते रोटी गोल कर पूरी गोल कर. अरे लड़कियों को थोड़ा फ्रीडम दो. फिर देखो जो गोल खेला है ना अपना खुद का गोल नहीं. इन लोगों ने हिंदुस्तान का भी गोल पूरा किया है. जोरदार ताली जितना बजा सकते हैं. जोरदार. क्या बात है पहली बार तुमने अच्छा मैसेज दिया है. हाँ क्योंकि पार्लर नहीं है ना. अब तो मैं मैसेज ही दूंगी. मैसेज किधर से दूंगी मैं? सर आप पुलिस में ना मेरा कंप्लेंट लिखो. ये आदमी ने मेरा पार्लर हटेला इधर से. तू हॉकी वालों को मिलने आ गई? हॉकी के बारे में बताया तेरे को कुछ? सब मालूम मेरे को. क्या मालूम है तेरे को? यू नो हॉकी इज माई फर्स्ट लव. रियली? हाँ. कैसे मतलब? मेरा जो छावा है ना मुकेश. मुकेश है ना मेरा मुकेश. जब उसने मेरे को पहली बार प्रपोज किया था ना तो मैं उसको हॉ की थी. सच्ची में? हाँ. और आपको मालूम है ये जोक है. खुल के हंसो. फिर मुकेश से याद है मेरे को मैं इन सबकी इतनी बड़ी फैन है. सबका फोटो ले लिए मैं. देख कप्पू. हाँ आज तक हीरो लोग का फोटो रखा जेब में? नहीं. इन सबका रखे लाए. अच्छा? हाँ बीरेंद्र जी किधर गए? मेरा आंखें कमजोर है. हाय कैसे आप? ठीक. शादीशुदा? ऐसा कौन खड़ा होता है? ऐसा खड़ा आपका जो भाई है वो हॉकी में ना है ना? है ना? आपको पता है मेरा मामा का लड़का जॉकी में. ये क्या कह रही है? अरे जॉकी मतलब रेडियो जॉकी रे बाबा. वो वाले जॉकी की बात नहीं कर रही हूँ. फिर बैठे बैठे. और सब ठीक है?
जापान से आए ना तो मेरे को लगा जापानीज बोलते रहेंगे. खैर लेकिन अभी मैं जापानीज बोलेगी ना तू बीच में मेरे को टोकियो मत. टोकियो माय गॉड. अर्चना जी मैं कितनी कमाल हूं ना कि नहीं. मैंने जापान टोक्यो एक ही बात में ले आई मैं इधर. मैं सच्ची बोलती हूँ अगर मेरे को थोड़ा फ्रीडम मिल जाए ना मैं माल्या को भी इधर ला सकती हूँ. कैसे? अरे वो आदमी मसाज का बहुत शौकीन है. हाय सुशीला जी. हाँ जी. अरे आपको मालूम है शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे अभी. वो आपके बहुत बड़े फैन है. आप पे फिल्म बना रहे. कौन सी फिल्म? शाम आएगा तो कह देना कि छानू आया था. अच्छा सुशीला जी आप टीसी पे है ना? हाँ जी. तो जब आप इधर जापान गए थे तो ट्रेन में गए थे कि प्लेन में गए थे? ट्रेन में गए. ट्रेन में गए थे? हाँ जी. सपना ट्रेन कहाँ जाती है जापान? ट्रेन कैसे जा सकती? टीसी जापान जा सकती तो ट्रेन जापान क्यों नहीं जा सकती? ये हमारे इधर की ट्रेन बहुत आलसी है. प्लेन से कुछ सीखना चाहिए इसको. मैं सच्ची बोलती है. यही सब फालतू बातें करने आई है तू यहाँ पे? नहीं नहीं मैं फालतू बात करने नहीं आई है. मैं वो सीरीजेस ये पहले हंस दिया ने. मेरे को डर लग रहा है ऐसा. आजा आजा बोलते मेरे. मैं कितने एपिसोड किए सब हीरो लोग मेरे को दूर भगाते. पहला हीरो मेरे को बोलता आजा आजा. सपना ध्यान से रहना. ये बंदा वो है बॉल किधर भी जाए पकड़ता यही है. अभी तू देख. हाँ बुलाते आए मगर जाने का नहीं. नहीं 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 हम लोग पकड़ता नहीं डिफ्लेक्ट करता है बस. बैठो बैठो टेंशन मत लो. श्रीजेश ज्यादा खुश नहीं होने का. पैकिंग ऊपर से अलग है माल अंदर से अलग है. आप गोलकीपर है ना? yes, yes. तो मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ आपको सर. कैसी टिप? पता है क्या है कि नजर जो है हमेशा बॉल पे रखने का. मतलब इधर उधर ना जाए. कोई आपको बोलेगा वो देख चिड़िया उधर नहीं देखने का नहीं तो गोल हो जाएगा. कौन सा शूज है? नहीं कौन से शूज पहने? नाइकी. ये देख ही नहीं रहा मेरे जो खराब के. खैर मेरे को आपको बोलने का था. वुमेन टीम वाले ना आप लोग हमारे नाराज हो पा रहे कि ना दो लड़के लोग हैं जो वुमेन टीम में आना चाहते हैं. अरे लड़कों को वुमेन टीम में कैसे लाएगी? देखो बोल कौन रहा है. बोल कौन रहा है देखो कि लड़के वुमेन टीम में कैसे आएंगे. तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. मैं सच्ची बोलती हूँ मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ. नहीं नहीं पहला इंसान हूँ. समझ में नहीं आता पहला बोलूँ पहली बोलूँ तेरी वजह से. हे भगवान मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ जिसने रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई भी है और बांधी भी है. कप्पू तेरे को मालूम है एक चीज. ये साल आपको रेफरी जो रहता है वो ग्रीन कार्ड देते हैं ना आप लोग को हॉकी में. इस साल इन लोग को ग्रीन कार्ड पता है क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि टीम में सब पंजाबी लोग हैं. ग्रीन कार्ड मिल गया तो कनाडा जाके सेटल हो जाएंगे. मसाज नहीं लाई तू आज? हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं. हमारे पास एक मसाज है निराश मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है लड़के लड़के रहते हैं इंडिया के. ये हॉकी में बहुत मेहनत करते है और मेहनत करके ओलंपिक्स में जाते हैं. देश का नाम रोशन करते हैं. फिर वहां से निकल के एक बहुत बड़े शो में आते हैं. अच्छा. और आते ही देखते हैं पार्लर नहीं है और निराश हो जाते हैं. खैर कप्पू मेरे को अभी जाने का है. तो एक्चुअली वो शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे. मैं आपको बताया अभी अभी आकर गए पहले शत्रुघ्न. उनका मैं मसाज की वैनिटी में. अच्छा. हाँ तो मसाज के टाइम पे ना जाते वक्त वो अपना सीना छोड़ के चले गए. सीना पड़ा हुआ है उनका. तो अब मेरे को टेंशन ये है कि अगर अनुभव सीना आया अगले एपिसोड में और सीना इधर उधर हो गया तो शत्रु जी तो चला लेंगे. अनुभव सीना ऐसे ऐसे करते अच्छा नहीं लगे. ऐसा प्रॉब्लम है. टू गुड सपना. खैर में चलती है. टू गुड. फिर मिलेगी आपको. ओके ऑल द बेस्ट. बहुत मजा आया. थैंक यू. थैंक यू.
श्रीजेश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप गोलकीपर हैं और मैंने देखा जो आपने ड्रेस पहनी थी वो काफी, कितने किलो की होती है वो? नहीं नहीं, अभी तो बहुत कम वेट का है, तकरीबन 5 या 6 kg मैक्सिमम। 6 किलो? फिर भी मतलब एक्स्ट्रा 6 किलो वजन लेके खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो अंदर पसीना वसीना भी बहुत आता होगा ना? बहुत ज्यादा। तो जब मैच में कभी ब्रेक आता है तो वापस आप ही जाते हो कि किसी और को डाल के भेज देते? ऐसे होता है मतलब, भेज सकते किसी को? नहीं नहीं, अभी जब ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में नहीं होता है, बट नॉर्मल मैचेस में 2 गोलकीपर आते हैं तो हम लोग क्वार्टर्स में चेंज हो जाता है। अच्छा, ऐसे होता है। ओके, सविता जो है ये भी गोलकीपर है। अच्छा चलो श्रीजेश, तो चलो पूरा मुखौटा मुखौटा पहन के रखते हैं, लड़का है उनको नहीं फर्क इतना पड़ता, लेकिन आप जब गोल बचाती हैं तो आपका दिल नहीं करता कि मैं उतार के बोलूं कि yeah, this is me, I stopped, ऐसे कभी मन नहीं हुआ? भाई साहब, हेलो, मुझे भी आता है चीज। हां, पर लड़के इतना सोचते हैं, लड़कियों को होता है कि मैंने थोड़ा आईलाइनर लगाया, दिखाऊं तो सही? नहीं नहीं, पर आप करते हो उतार के? नहीं, बीच बीच में कर लेता हूँ, क्योंकि एक एक सेव होने के बाद निकाल देता हूँ कि हाँ मेरे चेहरे भी पहचान लो सच में। आप सोच के देख लो, जैसे ये लोग एक गोल मारा, आप ये लोग 10 या 50 बॉल भी बाहर मारो फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग एक गोल मारने के बाद ये लोगों का फोटो छापता है ना हर जगह। हाँ। तो मेरा भी लगता है कि अरे यार 4-5 सेव करने के बाद मेरा भी आ जाए। श्रीजेश, आपका नाम पीआर श्रीजेश लिखते हैं ना? यस सर। पूरा नाम क्या है आपका? पराटू रविंद्रन श्रीजेश। वाओ, ये चिट्ठी पे इतना नाम लिख दो चिट्ठी पहुंच जाती है। सच बता रहा हूँ भाई, अभी जो ओलंपिक्स मेडल के बाद आप नाम लिखो घर तक चिट्ठी पहुंच जाएगा। वाह क्या बात है। ये हुई ना। अच्छा, इतना लंबे नाम वाला बच्चा कहीं मेले में गुम हो जाए ना तो अनाउंसर अनाउंसमेंट नहीं करता पूरे नाम लेके, क्या बोलता है? वो खाली इतना बोलता है, एक बच्चा जिसने नीली चड्डी पहनी है और वैजयंती माला को अपनी माँ बता रहा है, जिसका भी हो आके ले जाए। सविता, हमने सुना है आपके जो कोच साहब हैं उनका नाम सुंदर सिंह सरब है, सुंदर सिंह खरब। हाँ जी। सोचो, खरब कोच होने के बावजूद इतना अच्छा खेली है, खराब। और अगर कोच अच्छे होते तो कितना अच्छा खेलते। खराब 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 नहीं खराब। हाँ, पर जो कैसे बन रहा था तो उस हिसाब से मैंने बनाया, आपने उल्टा खराब कर दिया। खरब साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। चानू, एक बात बताओ, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि नॉर्मली घरों में क्या होता है, जैसे हमारे बड़े भाई पिता दादा परदादा जो भी करते हैं हम लोग उस चीज के लिए अट्रैक्ट होते हैं। मैंने सुना है कि आपके दादा परदादा वो पोलो खेलते थे। हाँ जी, पहले खेलता और था। आप हॉकी में आ गई। हाँ जी। ऐसे क्यों, घोड़ा भाग गया था? ललित उपाध्याय, देखो ये नाम अगर आप पहले ललित सुनते हैं तो लगता है कि लड़का कोई फ्लर्ट करने वाला होगा, फिर जब हम उपाध्याय सुनते हैं लगता है नहीं यार ये भजन पाठ करने वाला होगा। ललित, आप हॉकी में कैसे आए, आप अपने बारे में बताएं। हाँ जी, पहली बात तो लड़कियां भाव ही नहीं देती। अब जब से मेडल आया तब से सोशल मीडिया पे मैसेजेस आने लगे हैं। अच्छा, और पढ़ाई की बात करें तो हम भी उतना ही गए कॉलेज जितना आप गए हैं। फिर हॉकी पाजी बड़े भाई को देख के स्टार्ट किया था। अच्छा जी। हाँ, और सबका आशीर्वाद था, महादेव का, बनारस से बिलोंग करता हूँ सबको पता है, तो बस सर महादेव का आशीर्वाद था कि आज यहाँ तक का सफर तय किया। तो अभी फिर जब ओलंपिक से आए हैं तो अभी भाव मिल रहा है पूरा? पाजी भाव की बात कर रहे हैं, किलो मिल रहा है अब तो। पूरा भर भर के। तो फिर किसी पर रुमाल रखा आपने कि नहीं? नहीं पाजी, रुमाल नहीं रखे, चादर रखेंगे सीधा आप तो। मैंने देखा है अभी उपाध्याय साहब भरे ही पड़े थे तो वेट कर रहे थे ओलंपिक से वापस आऊं और चादरें डालूं मैं। लड़के भोले होते हैं, मुंह पे बता देते हैं कि हम तो भैया ऐसे हैं, लड़कियां तो गुन्नी बन के बैठी बता ही नहीं रही कुछ। अभी ब्रेक हुआ तो कहती तुझे पता कर क्या बोला, उसी समय शुरू हो गई है, और ब्रेक जैसे खत्म हुआ तो ऐसे नहीं, जैसे कोच साहब बोले वैसे ही करना पड़ता है। सबसे शरारती तो इनकी कैप्टन ही है, मेरी बीवी पे आते ही पंच मार गई। वो अब घर जाके अपना पंच मारेगी मेरी रीढ़ की हड्डी पे, मेरे पहले ही बैक इंजरी हुई पड़ी है। गिनी का भाई भी बैठा हुआ है। अच्छा, वो रानी को तब से घूर रहा है। तो साथियों, ऐसा है अब वक्त है थोड़ा खुलने का, आप सब साथ में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, पूरा साल ही पूरा ऑलमोस्ट अपने एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सेम फॉर यू गर्ल्स, एक दूसरे के बारे में बताना है कि ऐसा कौन करता है। तो बॉयज, फौरन जाके जब भी आप मैच खेलने जाते हैं तो गेम के अलावा ताड़ू कौन है जो ग्राउंड के बाहर भी थोड़ा घूम फिर लेते हैं वैसा टाइप? जी, ज्यादा दूर मत जाइए, नजदीकी पड़ा है। हाँ, समझ गए।
उन्होंने तो अपना रुमाल रख दिया ना मलेशिया में. मैं बोल रहा हूँ अब जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई है उनमें से कौन ऐसा. अबे इधर आ जाओ थोड़ा यार. ये के बाद है मनदीप. नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है. उल्टा अगर ना ऐसा करने को दिल करे फिर बुरी बात है. एक की तो शादी कर ली, दूसरा मनदीप है, तीसरा बाकी सारे ही ब्रह्मचारी शरीफ है. नहीं 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 आएंगे धीरे धीरे. हाँ ये तो लड़कियों को सबसे पहले दिखता भी यही होगा. नींद किसको सबसे ज्यादा आती है, आलसी कौन है, सुस्त. वीरू 10 मिनट में लेंगे सो जाएगा. 10 मिनट में कैसे नींद आती भाई हमें बता दो. 10 मिनट नहीं भाई, अगर एक बार सोया ना बिना खाए पिए एटलीस्ट 13-14 घंटे सो सकता हूँ, जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे. इवन रूम में ये रूम में 14 घंटे सो जाते हैं अकेले ही जी, जब तक मतलब और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ सोने का मौका मिला हम सो जाते हैं. ऑप्शन नहीं होती कोई, रूम ले खाना लेके खुद आएगा तब भी उठाएंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होती कोई. आपने हमारा तो पूछा ही नहीं, या फिर गौर लड़कियां बोलती नहीं है. तो ये मैंने पूछा तो था सबका, ये सबके सबके लिए था सवाल, आपने गौर से नहीं सुना. तो हम वेट कर रहे थे ना कि वो चुप हो जाएंगे तो हम बोलेंगे. अच्छा अच्छा तो अब आपकी बारी. तो आप में से कौन ज्यादा आलसी है लड़कियों में. आलसी तो नहीं बोल सकते पर सोते सभी दी ज्यादा है. मैंने देखा लड़कियां जो है ना ये मुंह पे नहीं बोलेंगी एक दूसरे के, कैमरा बंद होगा फिर ये बोलेंगी तूने बताया क्यों नहीं, ये रानी सबसे ज्यादा खाती है. अच्छा तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लगाता है. आज तो उन्होंने तैयार कर दिया था मेकअप वालों ने. अच्छा नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा मेरे सामने. गुरजीत हमारी टीम में सबसे ज्यादा मेकअप इसे पसंद है तो ये रेडी रहती है. चानू को और लेट ऑलवेज गुरजीत होती है. लेट क्यों होती गुरजीत. पता नहीं इसका कुछ ना कुछ रह ही जाता है लास्ट तक ना, फिर बुलाती है कोई आना मेरी हेल्प कर दो. उसने मीडिया में देखो पहले एक चोटी बनाई फिर उसके ऊपर डायमेंशन दी दो अलग, पूरा आज हेयर स्टाइलिंग करके आई है. सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन है लड़कियों, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा. यही बैठी है मैडम हमारी. नवनीत सबसे ज्यादा स्टाइलिश है. यस हालांकि बस नहीं चलता हो क्योंकि पहननी सबको यूनिफॉर्म ही है. है ना. नहीं तो अगर नवनीत आपको कोई बोल दे कि अच्छा आपको माफ है यूनिफॉर्म के अलावा आप क्या पहन के जाना पसंद करेंगी मैच में. मैच में सोचा ही नहीं इसके बारे में तो कभी. और अगर लड़कों आपको ऑप्शन दी जाए कि जो मर्जी अपनी मर्जी का पहनो क्या पहनना चाहेंगे आप. पाजी पहली बात तो अगर कुछ और पहन के जाएंगे तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी और ना ही खेल सकेंगे. जो जर्सी की जर्सी में फीलिंग आती है मेनली जो वही बात है. जर्सी पहन के जाएंगे उसको मजा आता है. अच्छा एक प्लेयर होता है ना जिससे कोच बड़ा चिढ़ता है कि यार मेरी सुनता नहीं, लड़कों में से कौन है वो. एक है प्लेयर भाई वो सिमरनजीत है. अच्छा. उसको कोच बोलता है कि तू बॉल छोड़, वो बॉल छोड़ता नहीं, वो लेके डॉज मारता रहता है उसको बहुत. अच्छा. बार चढ़ता है कोच उसके ऊपर. अच्छा तो हो सकता है उसको कोच की समझ ना आ रही हो बेचारे को. है ना इंग्लिश में बोलता है वो ना कोच. हाँ तो मनदीप चेक करो जरा उसका एक बार. गर्ल्स हमारी टीम में गुरजीत है कि जो कोच कुछ भी बोलता है पर वो अपनी मर्जी से. गुरजीत क्या कारण है इसके पीछे. कई बार बहुत ज्यादा बोलते फिर उनको गुस्सा आ रहा होता फिर मेरे को भी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए अपना काम करती हूँ. फिर मैं सोचती बोलने तो बोलने दो, मैं अपना काम करती हूँ. लास्ट सवाल, अब आप जब मैच वैच खेलते बाहर घूमने फिरने भी जाते होंगे जब ओलंपिक खत्म हुआ खाने पीने शॉपिंग करने, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है जिसने पैसा निकाला ही नहीं. नहीं भाई लड़कों में सभी शेरशेर दिल हैं, अगर कुछ भी होता है हम लोग जैसे कभी कोई जाता है तो एक पर्सन कोई पे कर देता है. अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कि कोई लड़कियों में ऐसा नहीं होता पता आपको. नॉर्मली मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं है. नॉर्मली क्या लड़कियाँ नहीं नहीं लड़कियों बड़ी वो होती हैं मतलब ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैं कहूँगा. और भी करना पड़ता है सिखा के भेजा कि बोलना है जाके. मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ी हुई वो बेचारी का शो से कोई लेना देना नहीं है. शो में जब आता हूँ मैं अनमैरिड होता हूँ. शादी मेरी हुई अंधेरी वेस्ट में. दीदी का शूटिंग इन अंधेरी ईस्ट. दीदी का जी से डर अभी याद आता है. अरे यार कहाँ याद करा दीपिका मेरे सवाल ही भूल गया. और किसको अच्छी लगती दीपिका पादुकोण. इनके सारे सवाल काट देना जो भी. अभी क्या अभी तो ठीक है. अभी तो क्या करो. हम जैसे लोग वही बाहर बैठ के जो मैच देखने वाले होते हैं ना हमारी हालत वैसी हो जाती है. ले गए गोल. ले गए गोल.
लड़कियों आपका फेवरेट कोई एक्टर होगा कोई ऐसा? मुझे अक्षय कुमार पसंद है। आपको अक्षय कुमार पसंद है और आप सबसे पहले उनको? सर आप ही हो। वाह, मुझे पता था ऊपर वाला मेरी कभी ना कभी सुनेगा। और आपकी? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, वाओ। और आप? जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम, और हाइट के हिसाब से जॉन अब्राहम ढूंढा, लंबी चौड़ी ना। चानू आप? सलमान खान। वाओ भी। कैप्टन साहब आप? अक्षय कुमार। आप में टाई होता है। गुरजीत? शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्या बात है। हुण मुंडिया तो शुरू करते हैं। अभी हम तीनों का फाइट हो जाएगा। आप पाजी? प्रियंका चोपड़ा। ओह कॉन्फिडेंट बंदा, प्रियंका चोपड़ा। मनदीप? प्रियंका चोपड़ा। दो ही लड़कियों के पीछे सारी टीम पटी हुई है, इंक्लूडिंग द होस्ट। हाँ जी हरमन, आप? वीरू? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। देखो हॉकी में जैसे होता है ना कि आपको साथ में खेलना होता है, पर्सनल लाइफ में ये जरूरी नहीं है, आप अलग अलग भी खेल सकते हैं। हरमन आपकी फेवरेट कौन है? आपकी फेवरेट कौन है? मैं बोलूंगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, बंदा अलग खेला कुछ। सोफा भी अलग सुना है उसने। इसकी भी वजह है। अच्छा, क्योंकि मैं भी दीपिका ही बोलने वाला था, तो मेरे को पता है कि मैच हो जाना है हम दोनों। उपाध्याय साहब आप? सर आप कटवाने वाले थे, सेम ही था। तो मैं सोचा बोलूं कि ना बोलूं, दीपिका जी थी। अरे वाह वाह दीपिका, देखो इतने लोग लाइन में थे। चलो खुश रहे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.